Next one, this is a very basic example regarding understanding process of array. इस केस में अगेन array process को मैं compare करूँगा like ordinary variables x, y, z. Just इस केस में comparison provide करना जिससे आपके लिए array easily समझना possible हो और आपको एक बार array का concept धीरे धीरे समझना start होगा देन आपके लिए array के सारे process आगे continue करना possible. इसलिए मैं just basic practice provide कर रहा हूँ इस केस में. सबसे पहले इस केस में क्रिएट किया फर्स्ट वन, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया रहा वेरिएबल एक्स वाई जेड. इस केस में जस्ट सिंपल डायग्राम क्रिएट करूंगा, नॉट अ स्टैक डायग्राम. सबसे पहले कि मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होगा फॉर लोकल वेरिएबल एक्स, लोकल वेरिएबल वाई, लोकल वेरिएबल जेड. इज द एलोकेशन फॉर एक्स वाई जेड. अरे एक्स का एड्रेस 100 है देन स्टैक के अकॉर्डिंग वाई का एड्रेस क्या होगा 98 and 96. ये प्रोसेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक्स वाई जेड. अगर इस लोकेशन का एड्रेस 100 है इसलिए अदर नेम क्या हुआ स्टार 100 अकॉर्डिंग टू पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन. सेम एज वाई के केस में अदर नेम क्या हुआ स्टार 98, जेड के केस में अदर नेम क्या हुआ स्टार 96. क्लियर. देन इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, लोकल वेरिएबल्स का बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होता है ऑलवेज गार्बेज जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट स्टोरेज क्लासेस ऑटो. ऑटो के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है ऑलवेज गार्बेज, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें एक जस्ट एरे क्रिएट हुआ ए, तो अगेन एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने 3 एलिमेंट्स. एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या 2 बाइट, जैसे इसके इसमें एक्स का साइज क्या 2 बाइट्स. सेम एज एरे के अंदर सभी पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज क्या रहेगा 2 बाइट्स. देन एरे क्या है, एरे इज अ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस. देन अगेन इस केस में टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे एरे के लिए, देयर आर 3 एलिमेंट्स. इस कंप्लीट ब्लॉक को नेम असाइन होगा एज अ ए, देन फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने का वे क्या रहेगा जस्ट ए ऑफ 0. ए क्या है इस केस में कंप्लीट ब्लॉक का नेम, लेकिन ए 0 क्या है ओनली फर्स्ट 2 बाइट्स का नेम. सेम है सेकंड नेक्स्ट 2 बाइट्स का नेम क्या है इस केस में ए ऑफ 1, नेक्स्ट 2 बाइट्स का नेम क्या है ए ऑफ 2. इस केस में जस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस केस, ए ऑफ 0 इज सिमिलर टू एक्स. सेम एज ए ऑफ 1 इज सिमिलर टू वाई. सेम एज ए ऑफ 2 इज सिमिलर टू एग्जैक्टली जेड. जस्ट बेसिक कंपेरिजन. नेक्स्ट वन, अगर इस लोकेशन का एड्रेस 200 है, रियल एड्रेस कंटिग्यूअस फॉर्म में रहेगा इस केस में, मैं एज्यूम कर रहा हूं लाइक 200, तो नेक्स्ट प्लेस का एड्रेस क्या रहेगा 202. यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर था लेकिन यहां एरे के केस में ऑर्डर क्या रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड 204. क्लियर. नेक्स्ट वन, इनिशियली जिस तरह से प्रीवियस केस में वेरिएबल एक्स वाई जेड में कोई वैल्यू असाइन नहीं किया था फिर भी इनका डिफॉल्ट वैल्यू क्या था गार्बेज, सेम है एरे के केस में बात कर रहे हैं. एरे के केसेस में बाय डिफॉल्ट इसके लिए स्टोरेज क्लास कौन सा फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू लोकल डिक्लेरेशंस ऑटो. ऑटो के अकॉर्डिंग एरे के सभी एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा ऑलवेज गार्बेज और अननोन. क्लियर. नेक्स्ट वन, इस प्लेस पर मैं डिस्प्ले करूंगा जस्ट आउटपुट ऑफ दिस कोड और आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस में जस्ट मैंने डिस्प्ले क्या करा वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ जेड यूजिंग प्रिंट एफ. देन एक्स के केस में क्या गार्बेज, वाई के केस में क्या ऑल्सो गार्बेज, जेड के केस में क्या ऑल्सो गार्बेज. तो फर्स्ट 3 केसेस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा सम गार्बेज वैल्यू. देन मैंने यूज किया स्लैश एन, लाइन चेंज होने के बाद नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले क्या हो वैल्यू ऑफ ए 0. चेक कर सकते मेमोरी के अंदर ए ऑफ 0 में वैल्यू क्या है गार्बेज, ए ऑफ 1 के अंदर भी वैल्यू क्या है गार्बेज, ए टू के अंदर भी वैल्यू क्या है ऑल्सो गार्बेज. इन 3 केसेस में वैल्यू का डिस्प्ले होगा ऑल्सो गार्बेज, गार्बेज एंड गार्बेज. वन मोर थिंग्स, इसका एड्रेस 200 है तो उसका अदर नेम क्या होना चाहिए स्टार 200 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स और पॉइंटर रूल्स. देन सेम एज स्टार 202 एंड स्टार 204. क्लियर. इस प्रॉपर्टी को मैं डेप्थ में जस्ट डिस्कस करूंगा आफ्टर दिस एग्जांपल और ड्यूरिंग पॉइंटर कंपैरिजन. नेक्स्ट वन, फाइनली एक्स केस में आसान क्या हुआ है 10, देन इस प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा 10. सेम है नेक्स्ट केस में वाई में क्या आसान हो जाएगा 20. सेम है इन जेड 30. जिस तरह से एक्स वाई जेड में इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट किया सिमिलर वे में ए 0 ए 1 में भी असाइनमेंट करना पॉसिबल. इस केस में 10 उस लोकेशन में आसान होगा इसका लॉजिकल नेम ए 0, मीन्स इस प्लेस पर क्या आसान हो जाएगा 10. सेम एज ए ऑफ 1 में क्या आसान होगा 20 लाइक अ वाई, वाई में क्या आसान होगा 20. सेम एज इस ए 1 किसके सिमिलर है वाई के, ए 1 इक्वल्स टू 20, देन ए 1 में क्या आसान होगा 20. सेम एज ए 3 में क्या, सॉरी ए ऑफ 2 में क्या आसान हो रहा है 30.
क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन डिस्प्ले कराया प्रिंट टैब के थ्रू वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में क्लियरली सो रहा क्या है, जस्ट 10, 20, 30। नेक्स्ट केस में डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ ए जीरो, तो ए जीरो के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए जीरो विच इज 10। वैल्यू ऑफ ए वन, ए वन में क्या सो रहा है डायग्राम के अंदर 20। सेम एज वैल्यू ऑफ ए टू, ए टू के प्लेस पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, जस्ट 30। तो फाइनली प्रिंट टैब से ओवरऑल मैसेज क्या प्रिंट होंगे, 10, 20, 30। क्लियर। नेक्स्ट वन मीन्स फर्स्ट केसेस में पहले मैंने मैनुअली सबसे पहले वेरिएबल्स में कोई वैल्यू साइन नहीं किया था इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ गार्बेज। सेकंड केस में मैनुअल इनिशियलाइजेशन परफॉर्म किया इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ एवरी टाइम 10, 20, 30, 10, 20, 30 लाइक दैट। नेक्स्ट केस में हाउ टू रीडिंग वैल्यूज फॉर एरे एलिमेंट्स यूजिंग कीवर्ड्स। नेक्स्ट केस में कीवर्ड्स के थ्रू डेटा रीड करा, फर्स्ट स्कैनर के थ्रू डेटा किसके लिए रीड हो रहा है, इससे फर्स्ट स्कैनर में पास क्या किया एड्रेस ऑफ एक्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स का एड्रेस क्या है 100। देन स्कैनर में पास क्या हुआ 100। सेकेंड केस में पास करो एड्रेस ऑफ वाई, अकॉर्डिंग टू डायग्राम वाट इज द एड्रेस ऑफ वाई 98। सेम एज एड्रेस ऑफ जेड 96। नेक्स्ट वन, तो फाइनली फर्स्ट केस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट टाइम आप कोई भी वैल्यू एंटर करोगे वैल्यू किस एड्रेस में साइन होगा 900। सेकंड केस में वैल्यू किस प्लेस पर साइन होगा 98। देन नेक्स्ट केस में वैल्यू किस प्लेस पर साइन होगा 96। सपोज दैट कीवर्ड्स इस केस में स्कैन ऐप के थ्रू टोटल परसेंटी के अकॉर्डिंग 3 वैल्यूज रीड होंगे। वैल्यू मैंने एंटर किया इस केस में 1, 2, 3 देन प्रेस एंटर की। जैसे इस केस में स्कैन ऐप एग्जीक्यूट होता है तो स्कैन ऐप के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू 1 किस एड्रेस में साइन हो जाएगा 100। 100 मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से एक्स, अब एक्स का करंट वैल्यू क्या 1। सेम एंड नेक्स्ट वैल्यू 2 किस प्लेस पर साइन हो जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस 98 और 98 वाई का एड्रेस, इसलिए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट केस में थर्ड वैल्यू 3 असाइन किस में हो जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस 96। 96 मीन्स इनडायरेक्टली चेंजेस किस में होंगे जेड में। क्लियर। सेम एज इन केस ऑफ एरे, एरे के केस में बात करें तो फर्स्ट केस में इस प्लेस पर सप्लाई क्या हो रहा है स्कैनर में एड्रेस ऑफ ए जीरो, ए ऑफ जीरो में मेमोरी के अंदर एड्रेस क्या स्टोर है, ए ऑफ जीरो मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस पर एड्रेस क्या है 200। फर्स्ट केस में स्कैनर में पास क्या हुआ 200। सेम है सेकेंड केस में एड्रेस ऑफ ए वन विच इज 202। सेम है एड्रेस ऑफ ए टू, ए टू में ए टू का एड्रेस क्या है 204। अगेन फिर से स्कैन ऐप के थ्रू परसेंट डी के अकॉर्डिंग 3 वैल्यू रीड होंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैंने अगेन एंटर किया 1, 2, 3। क्लियर। देन अगेन एंटर की, तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट वैल्यू कॉपी किस प्लेस पर हो जाएगा लोकेशन 200। 200 में आसानी हो तो इनडायरेक्टली वैल्यू किस लिए चेंज होगा ए जीरो के लिए, सेम एज 2, सेम एज 3। इस फाइनली इस टाइप से मीन्स जिस टाइप से आपने एक्स वाई जेड के लिए कीबोर्ड से स्कैन ऐप से वैल्यू रीड करा था, सिमिलरली ए जीरो ए वन और ए टू के लिए वैल्यू रीड कराना पॉसिबल है। इस फाइनली यहाँ मेरा मेन मोटिव क्या है, कंपेयरिंग दिस प्रॉपर्टी मीन्स जो रूल्स एक्स वाई जेड के लिए एप्लीकेबल वो सारे रूल्स ए जीरो ए वन और ए टू के लिए एप्लीकेबल, ओनली सिंटेक्स वाइज वेरिएबल डिफरेंट है। मीन्स यहाँ ए जीरो भी क्या है लाइक अ वेरिएबल नेम्स, ए वन भी क्या है लाइक अ वेरिएबल नेम्स, ए टू भी क्या है लाइक अ वेरिएबल नेम्स। फाइनली नेक्स्ट टाइम अगेन प्रिंट ऐप के थ्रू एक्स वाई जेड और ए जीरो ए वन के वैल्यू डिस्प्ले कराए। नेक्स्ट टाइम एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या प्रिंट होगा 1, 2, 3, ए जीरो ए वन ए टू का भी वैल्यू क्या ऑल्सो 1, 2, 3। दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस कोड।